हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है अन्नपूर्णा किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं हलवाई स्टाइल लच्छेदार लौकी की बर्फी, जो हम बिना मावा, बिना चाशनी, बिना कंडेंस मिल्क के घर की सामग्री से ही बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले ये लौकी को हमने अच्छे से धो के छील कर और इसको कद्दूकस कर लिया है। अब इसको निचोलेंगे अच्छे से, जो एक्स्ट्रा पानी है इसमें सारा निकल जाएगा। ये देखिए लौकी में से कितना काला काला पानी निकला है, इसलिए अच्छे से उसको निचोलें। ये लौकी हमने कढ़ाई में ले ली है, गैस को ऑन कर दिया है। अब इसमें हम एक चम्मच पहले घी डालेंगे और इसको घी में अच्छे से भून लेंगे हम 2 से 3 मिनट। ये भून ली हमने इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से घी में। देखिए अब इसमें हम डालेंगे 1 गिलास दूध। ये हमने बिल्कुल मलाई वाला दूध लिया है फुल फैट में, और इसको भी अच्छे से इसमें मिला देंगे। दूध की मलाई और दूध डालने के साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी शक्कर। हमने 2 लौकी ली थी छोटी छोटी, उसमें ये 1 कटोरी शक्कर होते हैं ना, फिर बाद में हम मिल्क पाउडर भी डालेंगे, इसलिए अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। मिला देंगे, शक्कर भी अपना पानी छोड़ेगी, इसलिए अच्छे से मिला के अब इसको हम ढक के पकने देंगे। चेक कर लेते हैं, क्योंकि शक्कर ने भी पानी छोड़ा था बहुत सारा, इसलिए हमने शक्कर पहले ही डाल दी थी। इसमें अच्छे से लौकी पक चुकी है। अब इसमें हम इस टाइम पे डाल देंगे मावे वाला फ्लेवर लाने के लिए, हमने मलाई तो डाली है, ये 1/2 कटोरी मिल्क पाउडर, और साथ ही में अच्छा टेस्ट आएगा डेसिकेटेड कोकोनट 1/2 कटोरी। अच्छे से मिला देंगे। बाजार वाला लुक देने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ग्रीन कलर, अगर आप चाहें तो ठीक है, पर इससे लुक अच्छा आ जाएगा, इसलिए मिला देंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, ये हमने काजू और बादाम को अच्छे से काट लिया था, मिला देंगे। और अब लास्ट में इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी शाइनिंग के लिए 1 चम्मच घी। 1 चम्मच घी से हमारी बर्फी में अच्छी शाइन भी आ जाएगी और बर्फी टेस्टी भी बनेगी। सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं, ये पैन भी छोड़ने लगा है, हम इसको जमा देंगे। आप चाहें तो बर्फी वाले ट्रे में जमा सकते हैं या प्लेट में, हमने घी लगा के पहले से ही रखा हुआ है, हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं उसे। ये हमने घी लगा के प्लेट पहले से ही रखी हुई थी, इसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र कर लिया, अब इसको इवनली हम एक समान कर देंगे। आप चाहें तो अगर मोटी जमाना चाहते हैं तो छोटा ले बर्तन, और पतली जमाना चाहते हैं तो बड़े बर्तन में जमा। ये हमने इसको एक जैसा कर दिया है बिल्कुल। अब इसको हम रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही जमने देंगे, और ज़्यादा जल्दी है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। इससे जम चुकी है, अब हम इसको कट करेंगे और बाजार जैसा लुक देने के लिए हम इस पर चांदी का वर्क लगा रहे हैं। आप चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं। ये चांदी का वर्क हमने लगा लिया, आप चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप कर दें, हम इसकी कटिंग कर लेंगे, आप किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं। एकदम तैयार है, आप भी बनाइए, फिर मुझे बताइए आपकी कैसी बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।